हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो आज हम बनाएंगे लड्डू गोपाल के लिए, सर्दियों के लिए पोशाक बनाएंगे। उसके लिए मैंने वाइट कलर का कपड़ा ले लिया है। इसकी चौड़ाई मैंने 5 इंच ली है और लंबाई मैंने 35 इंच ली है। मैंने इसको एक तरफ से सिल दिया है और यहाँ पे मैं इसको टिश्यू पेपर से लॉक कर दूंगी। मैंने टिश्यू पेपर लेस लगा दी है यहाँ पे, और मैंने इसमें यहाँ पे वैसे प्लेट्स लगा लिए। अब मैं यहाँ पे कमर पट्टी लगाऊंगी। कमर पट्टी के लिए मैंने कपड़ा ले लिया है। इसको मैं डबल फोल्ड करके पोशाक के पीछे की तरफ सिलाई लगाऊंगी। सिलाई लगाने के बाद इसको हम सीधा कर देंगे और कपड़े को ऊपर की तरफ लेके बीच में ऐसे थ्रेड रख देंगे और सिलाई लगा लेंगे। ये हमारा नीचे का घेर रेडी हो गया है। वो कितना हैवी लुक दे रहा है ये। अब इसमें हम ऊपर की चोली बनाएंगे। अब हम ऊपर की फुल स्लीव की चोली बनाएंगे। उसके लिए मैंने 3 इंच चौड़ाई ली है और लंबाई मैंने 5 इंच ली है। इसको हम बीच में से ऐसे फोल्ड करके गले का शेप कट करेंगे और नीचे से ऐसे क्रोश में कट करेंगे हम इसको। ये कुछ ऐसा लगेगा। दोनों कॉर्नर हम इसमें कट कर लेंगे बीच में से कट लगा के, और सेम इसी साइज का हम जो हैवी कपड़ा लिया है वो कट करेंगे। और इसको हम ऐसे राउंड में जो कट के लगाया है हमने वहाँ से सिलाई लगाएंगे। पहले इस तरीके से राउंड में सिलाई लगा लेंगे और फिर एक्स्ट्रा कपड़ा हम इसमें काट देंगे। इस तरीके से एक्स्ट्रा कपड़ा काटने के बाद हम इसको पलटा लेंगे इस तरीके से। पलटाने के बाद इसमें हम ऐसे कॉर्नर पे फिनिशिंग सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगा ली मैंने ऐसे। अब इसमें हम ये करेंगे, जो स्लीव लगानी हमको वो पार्ट कट करेंगे। उसके पहले हम नीचे सिलाई लगा देंगे। दोनों तरफ हमने सिलाई लगा ली है। अब यहाँ से 1.5 इंच छोड़ना है हमें, और दूसरी तरफ से भी हमें 1.5 इंच छोड़ना है, और जो बीच का जो है वहाँ पे हमें राउंड शेप में कट लगाना है। ये हमने कट लगा लिया है स्लीव के लिए, और इस तरह से हमने यहाँ पे भी कट लगा लिया है। अब यहाँ पे हम स्लीव अटैच करेंगे। तो चलो पहले स्लीव कट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे स्लीव कट कर लिए। ऐसे कोई भी फैब्रिक लेके आपको इस तरीके से कट करना है। ये स्लीव का शेप दे दिया है हमने इसको ऊपर से। नीचे सिलाई लगा ली हमने, अब इसको हम लगा लेंगे। इस तरीके से हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। ये स्लीव लगा ली है हमने। अब इसको उल्टा करके हम जो साइड की सिलाई है वो पहले लगाएंगे। मैंने साइड की सिलाई लगा ली है। अब इसको हम सीधा कर देंगे। ये हमने स्लीव और सब सीधा कर दिया है। आप देख सकते हैं हमारी फुल स्लीव की कान्हा जी की चोली रेडी हो गई है। स्पेशल सर्दियों के लिए आप बना सकते हैं कान्हा जी के लिए। कितनी सुंदर और कितनी प्यारी लग रही है ये। ये हमारा नीचे का जो घेर है और ये ऊपर की चोली, ये दोनों चीज़ रेडी हो गई है। अब हम इसे पगड़ी बनाएंगे। पगड़ी ली मैंने यहाँ पे 7 इंच और यहाँ पे 3.5 इंच लिया है, और इसको ऐसे हम फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे पहले। ये मैंने सिलाई लगा ली। सिलाई लगाने के बाद हम इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे। मैंने आगे भी वीडियो में बताया हुआ है, इस तरीके से हम फोल्ड करके इसको अंदर की तरफ हम सिलाई लगा देंगे। यहाँ पे ये पगड़ी रेडी हो गई है। ये हमारा पूरा पोशाक रेडी हो गया है। आप भी अपने कान्हा जी के लिए फुल स्लीव की पोशाक बना सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। राधे।